हैं इस वक्त, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, वो काम सीखेगा भी और पैसे कमाएगा भी। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अभी अभी हम चालू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है, हमारा बेटा मरा भी बोल रहा था, नीट की परीक्षा पास की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा सिलेक्शन अगर होता है मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इसके लिए कई योजना बनी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके, इसलिए पहले मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अपने बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं है तो कई बार पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश अपना ऐसा प्रदेश है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। बोलो सही बात है कि नहीं, अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं अपना मार्गदर्शन करने, कई तरह के काम कर रहे हैं। अभी बेगा भाई बहनों के लिए गवर्नर साहब की पहल पे हमने योजना बनाई है कि वो 2 गाय या भैंस को रखेंगे और उस गाय और भैंस खरीदने में जितना पैसा लगेगा उनका 90% सरकार देगी और केवल 10% हमारे गाय और भैंस रखने वाले भाई या बहनों को दिए जाएंगे। विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा जैसी जातियों के लिए ये योजना प्रारंभ हो गई है। तो कई तरह के काम धंधे हम चालू करें, खेती हमारी उन्नत हो, किसान दीदियां उस क्षेत्र में काफी परिश्रम और मेहनत कर रही है तो बेहतर खेती करें। लेकिन खेती के अलावा हम दूसरे काम धंधों में भी आए। कल रोजगार दिवस था और रोजगार दिवस के दिन मैं था उमरिया में। देखो एक तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, 1,00,000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती चालू है, 15 अगस्त तक 1,00,000 भर्ती पूरी कर देंगे, 2,00,000 के पूरे पद भरे जाएंगे, पूरे पद भरे जाएंगे। उसका अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। दूसरे स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन की बहनों को भी और बच्चों को भी रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तीसरे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए है। लेकिन और काम मिले इसलिए कृषि क्षेत्र में हम बहनों की हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे। महिला किसान योजना के अंतर्गत कोदो कुटकी और श्रीअन्न के उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए डिंडौरी जिला पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हमारी बेटियों और बहनों को भी इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे लाया जाएगा। खेतों के लिए पानी, यह हम सबकी मांग है। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों से कहना चाहता हूं, आम राय बनाए और इसलिए आपकी आम राय से ही जहां पानी रोका जा सकता है वहां बांध बना के, और कोशिश यह करेंगे कि खेती की जमीन ना डूबे, हम सिंचाई का पानी भी देने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के अनेकों उपाय किए जाएंगे। आज मुझे अनेकों ज्ञापन मिले, एक जमाना था जब डिंडौरी जिले में सड़कें नहीं थी, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछड़ा है। जबलपुर अमरकंटक कबीर चबूतरा 220 किलोमीटर की सड़क 1,200 करोड़ रुपए में बन रही है, काम चालू है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करेंगे। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बड़ा बयान आया है। झीरम हमले में बचे लोगों का हो नार्को टेस्ट, कवासी लखमा और अमित जोगी का हो नार्को टेस्ट, सच्चाई सामने आनी चाहिए। छविंद्र कर्मा ने कहा है, बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया। तो
महेंद्र कर्मा के बेटे का ये बड़ा बयान आया है। नार्को टेस्ट की मांग उनके द्वारा की गई है। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बयान आया, झीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट हो, उन्होंने कहा कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट हो, सच्चाई सामने आने चाहिए। बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, झीरम कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और नार्को टेस्ट की मांग लंबे वक्त से जो है होती आ रही थी, अब एक बार फिर छविंद्र वर्मा कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो लोग बच गए थे। बिल्कुल, देखिए छविंद्र कर्मा का ये जो बयान है वो काफी बड़ा बयान है और झीरम मामले को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार, कांग्रेस ये कहते रही कि उस समय के जो लीडर्स हैं जो सरकार में थे उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, लेकिन अभी छविंद्र कर्मा का बयान आया और उन्होंने कहा कि उसमें जो भी लोग बचे थे उस घटना से, चाहे वो कवासी लखमा हो और चाहे जो दूसरे लोग हो, उनका जो है वो नार्को टेस्ट कराया जाए। और ये अपने आप में अगर हम बात करें तो झीरम की घटना को 10 साल हो गए हैं और अमित जोगी जो है उनका भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए कहा है, तो झीरम की घटना को लेकर 10 साल हो गए हैं और उसके बाद अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार सियासत जारी है और अल्टीमेटली इसका सच क्या है ये सच नहीं सामने आ पाया है। चाहे जांच को लेकर बात करें, चाहे दूसरे बयानबाजों को अगर हम देखा जाए तो लगातार सियासत ही हो रही है। और ऐसे में अब छविंद्र कर्मा का ये बयान आया है कि जिधर में जो भी लोग बचे हुए हैं, चाहे वो कवासी लखमा हो, चाहे जोगी, उनका नार्को टेस्ट, क्या कुछ छविंद्र कर्मा ने ये सुना देते हैं दर्शकों को कि झीरम जैसी बड़ी घटना घटित हुई है, उस घटना में हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं क्लियरली बताता हूँ कि उस दौरान सभी लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्को हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे, अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो ओपन तो हो कि इनकी क्या भूमिका है। और ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, लंबा वक्त बीत चुका है झीरम कांड को, पर सियासत जो है कम नहीं हो रही है। साफ तौर से मांग की जा रही है कि सच्चाई सामने आए, क्या लगता है लंबे वक्त से ये मांग हो रही है, क्या इस पर अब कुछ सोचा जाएगा? ममता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा बयान महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने दिया है और नार्को टेस्ट की मांग उनके द्वारा की जा रही है। बड़ा बयान बता दें आपको, छविंद्र कर्मा ने ये बड़ा बयान दिया, झीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट हो, कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट हो, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया है, ये बड़ा बयान छविंद्र कर्मा ने दिया है। झीरम हमले में सियासत पूरी तरह से देखने को मिल रही है। लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है इस मामले में, पर लंबा वक्त बीत चुका है, पर सियासत जो है जोर पकड़ रही है लगातार। भोपाल से बड़ी खबर है, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने कॉटन छोड़ा है, डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही आई। प्रसूता का जनरल वार्ड में प्रसव किया गया, पुरुषों के सामने प्रसव कराया गया, पर राजधानी के कोलार सीएचसी का यह मामला आपको बता रहे हैं। प्रसूता का जनरल वार्ड में प्रसव कराया गया, पुरुषों के सामने प्रसव कराया गया, परिजनों का यह आरोप है। राजधानी के
कोलार सीएचसी का ये मामला आपको बता रहे हैं।